Hey everyone, welcome back to my channel Neuroltech and welcome to another exciting video. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो उसको मैं कुछ उन लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ. अगर आप नया सब्सक्राइबर है, अगर आप नया व्यूअर है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो. आप सीधा जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है तहाँ से आप देख सकते हो. अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर्स है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अब से देखिए विदाउट एनी स्कीप. सो मैं बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. इस ऑलमोस्ट 1.2, 1.5 और 2 ईयर्स के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. अगर आप मेरा चैनल पे देखोगे कि बहुत दिन गैप के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ. सो कुछ वजह था इसलिए मैंने वीडियो नहीं कर पाया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइज. एक्चुअली मेरे चैनल पे एट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं डेली वीडियोस बनाता था उसके बाद मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो वगैरह बनाऊं. सो इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था और मैं थोड़ा मुझे मेरा स्किल पे मैंने थोड़ा फोकस किया था. और मैं 2 साल ऑलमोस्ट नया नया इंडस्ट्री में काम किया हूँ. बहुत कुछ चीज़ें मैं सीखा हूँ उस इंडस्ट्री से और वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पर शेयर करूँगा गाइस. आज से मैं डेली पता नहीं है डेली मैं वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ. मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि मेरा जो कंटेंट है वो कितना वैल्यूएबल है, वो कितना हेल्प करेगा आपको, वो उस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ. इसके लिए अगर मुझे हफ्तों में एक वीडियो बनाना पड़ा तो मैं बनाऊँगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ से आप जो मतलब टॉपिक के लिए मेरे वीडियोज़ पे आपको मेरे वीडियो पे आप आके देखोगे और आपका वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करोगे मेरे चैनल पे, मैं उसको मतलब ख़राब नहीं होने दूंगा. इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा सा टॉपिक बनाऊंगा. मैं थोड़ा पहले था कि मैं ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड वीडियोस नहीं बना पाता था, तो मैं इस वजह से मुझे बहुत मतलब बुरा लगा. इसलिए मैं थोड़ा पॉज था मेरा यूट्यूब जर्नी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाया. सो बट मैं मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है इस 2 साल में. बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखा हूँ, बहुत सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की चीज़ें मैं सीखा हूँ. उन सारे चीज़ों को मैं आपको इस एक वीडियोज़ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ. तो मैं आने वाले सारे वीडियोज़ पे अंदर मैं आपको दिखाऊँगा, सिखाऊँगा, सारी चीज़ें दिखाऊँगा. ओके, उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आज इस वीडियो बना रहा हूँ, वो है की क्लॉक. ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं उस मेन टॉपिक के कि की क्लॉक होता क्या है. ठीक है, सो इस वीडियो को मैं थ्री स्टेप्स में मैं डिवाइड कर चुका हूँ. एक है पहले मैं फास्ट आपको बताऊँगा कि की क्लॉक होता क्या है, क्यों की क्लॉक आपको यूज़ करना है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीज़ें मैं उस फास्ट टॉपिक पे मैं मतलब आपको दिखाऊँगा. नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊँगा कि की क्लॉक का मेकनिज़म क्या होता है, कैसे की क्लॉक काम करते हैं और कैसे आपके प्रोजेक्ट में आप की क्लॉक को यूज़ कर सकते हो, राइट. और थर्ड स्टेप पे मैं आपको दिखाऊंगा की क्लॉक का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल. आपको मतलब की क्लॉक का जो वेब एप्लीकेशन है उसको ओपन करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि की क्लॉक होता क्या है. ठीक है, सो अगर इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा उसका लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा, बेस्ट आपको मेरा बेस्ट नॉलेज आपको शेयर करूँगा ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको की क्लॉक का पूरा डाउट क्लियर हो जाए. आप किसी भी दूसरे वीडियोस पर जाने का आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेगा की क्लॉक का, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसका और भी डिटेल्ड वीडियो आपको आप डिज़र्व करते हो गाइस, तो इसलिए मैंने इस वीडियोस को शूट कर रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए मुद्दा टॉपिक पे आते हैं कि की क्लॉक होता क्या है. सो बेसिकली की क्लॉक एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और की क्लॉक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आप बोल सकते हो. ये एक की क्लॉक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है जहाँ पे आप ये एक सिंगल साइन ऑन आर्किटेक्चर है कि यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग का करने का ज़रूरत भी नहीं है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप विदाउट एनी कोडिंग आप सिंगल साइन ऑन कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में. अगर आपको याद है तो आप गूगल में आप देखोगे कि गूगल पे लॉगिन करने के बाद गूगल के साइट पे जो वो डॉट डॉट करके होता है ना, उसके अंदर आप यूट्यूब मिलेगा आपको, गूगल फोटोज मिलेगा, गूगल जीमेल मिलेगा, गूगल ड्राइव्स, बहुत सारा गूगल का प्रोडक्ट रहता है, राइट. अगर एक बार आप गूगल साइन इन कर लेते हो तो आपको उस दूसरे प्रोडक्ट को जाने के लिए आपको साइन इन करने का ज़रूरत नहीं है, करेक्ट.
तो इस जो टॉपिक है ना, ये जो फंक्शनलिटीज़ है ना, उस फंक्शनलिटीज़ की क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। मान के चलो आपके पास दो तीन प्रोडक्ट है, ओके, ये एक हो गया आपका, मान के चलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक हो गया आपका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। वो सारे प्रोडक्ट आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक यूज़र डेटाबेस रखने का ज़रूरत पड़ेगा, करेक्ट। तो इसी प्रॉब्लम को की क्लॉक सॉल्व करता है। की क्लॉक एक इंटरेक्टिव आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप की क्लॉक को यूज़ करके ना आप इसी प्लेटफॉर्म को लॉग इन कर सकते हो। आपके खुद के जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट पे आप लॉग इन कर सकते हो विदाउट अ मल्टीपल यूज़र डेटाबेस। ओके, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, विदाउट क्रिएटिंग अ मल्टीपल यूजर डेटाबेस। आपका एक ही डेटाबेस होगा जो की क्लॉक प्रोवाइड करेगा। आपके सारे यूजर डिटेल्स, सारे पासवर्ड, सब कुछ की क्लॉक के डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। और ये डेटाबेस कोई दूसरा सर्वर पे नहीं है, ये की क्लॉक सर्वर आपके खुद का सर्वर है। आप खुद के सर्वर पे ये की क्लॉक को सेटअप करोगे, जहाँ पे आपको ये पूरा चीज़ें स्टोर रहेगा, जहाँ पे आपका ये पूरा सारा यूजर डिटेल स्टोर रहेगा, वो भी वन टाइम। आपका मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए आपका मल्टीपल यूज़र और डेटाबेस आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। सो इतना सारा सपोर्ट की क्लॉक आपको देता है। आई होप इस मतलब की क्लॉक के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट आज से अब अगर आपको पता लग जाएगा तो आप भी बताओगे सब सबको कि की क्लॉक का इतना अच्छा जो सल्यूशन की क्लॉक लेके आया है, वो सल्यूशन कितना एफिशिएंट है आपके सॉफ्टवेयर, आपके प्रोडक्ट में, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका प्रोडक्ट का जो सिंगल साइन ऑन जो फीचर्स होगा वो भी एफिशिएंट हो जाएगा। और इसके लिए आपको एक लाइन तक भी कोडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया की क्लॉक का इंट्रोडक्शन, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ पिंग कमेंट पे आपको नीचे मतलब कमेंट कीजिए नीचे, ताकि आपको मैं आपका डाउट को मैं उधर आपको क्लियर कर सकूँ। तो आपको की क्लॉक का एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया है, तो आइए जानते हैं इन डेप्थ की क्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। इसका थोड़ा और डिटेल्स पे हम लोग देखेंगे कि की क्लॉक होता क्या है एग्जैक्टली। आपको तो ओवरव्यू मिल गया है ना कि की क्लॉक किस चीज़ पे लिए, किस चीज़ के लिए की क्लॉक यूज़ होता है, राइट। तो ये बेसिकली आपको एक ऑथेंटिकेशन सपोर्ट आपको देगा विदाउट एनी कोडिंग। विदाउट एनी कोडिंग आप की क्लॉक से ऑथेंटिकेट कर सकते हो आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा। मान के चलिए आपके एक वेब एप्लीकेशन है, उस वेब एप्लीकेशन को आप लॉग इन कर सकते हो विदाउट अ कोडिंग। उस एप्लीकेशन का पूरा यूजर डेटाबेस आप मैनेज कर सकते हो विदाउट अ कोडिंग। उस एप्लीकेशन का पूरा ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन आप मैनेज कर सकते हो विदाउट अ कोडिंग, गाइस। सो यही खासियत है की क्लॉक का, ओके। सो की क्लॉक का कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा कि अब अगर आप की क्लॉक यूज़ करोगे, जैसे कि की क्लॉक आपको एक लॉग इन स्क्रीन प्रोवाइड करता है, की क्लॉक आपको एक टोकन प्रोवाइड करता है जो कि एक JWT ऑथराइज टोकन है। उस टोकन को मतलब आप आपका वेब एप्लीकेशन पे अगर आपको लॉग इन करते हो, आपका सिंगल साइन ऑन करते हो, उसी सिंगल साइन ऑन के बाद आपको दो दो टोकन मिलता है। एक टोकन तो आपका पूरा ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए मिलता है आपको, और जो दूसरा टोकन होगा वो आपका एप्लीकेशन पे जो भी REST APIs है, जो भी आपका माइक्रो सर्विसेज है, उस सारे माइक्रो सर्विस REST API को वो टोकन इन्वोक करता है, ताकि कोई दूसरा हैकर या दूसरा बंदा आपको सर्विसेज को आपको वो जो सर्विसेज रहेगा उसको यूज़ ना करे, उसको मतलब हैक ना करे। ये सारे सपोर्ट आपको की क्लॉक आपको देता है उसके प्लेटफॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको और भी एक अच्छा की क्लॉक का सपोर्ट है, वो है OpenID Connect। अगर मान के चलिए आपके वेब एप्लीकेशन पे विदाउट आई मीन आपका वेब एप्लीकेशन पे आप, जैसे कि मैं बताया की क्लॉक आपको एक लॉगिन सपोर्ट देता है, सिंगल साइन ऑन सपोर्ट देता है, राइट। सो मान के चलिए अगर हम डेली यूजेज पे जाते हैं, हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा वेबसाइट पे आप साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गिटहब, ये सारे फंक्शनलिटीज़ रहते हैं, राइट। सो इसी फंक्शनलिटीज़ को आप की क्लॉक से इंटीग्रेट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। ये भी सपोर्ट की क्लॉक आपको देता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि की क्लॉक की कैसे काम करते हैं, की क्लॉक का मतलब मेन फंडा क्या है, की क्लॉक कैसे मतलब यूज़ होता है, उसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि की क्लॉक कैसे काम करते हैं, ताकि आपको और भी डिटेल पे अंदाज़ा लग जाएगा कि की क्लॉक कैसे काम करते हैं। आपको और डिटेल्स पे आपको और डिटेल पे आप जान पाओगे कि की क्लॉक एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सो चलिए इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो मैंने एक व्हाइट बोर्ड सेटअप कर लिया है मेरे सिस्टम पे, तो उस व्हाइट बोर्ड पे आपको मैं दिखाऊंगा कि की क्लॉक होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो
आपको समझिए, अच्छे से समझना है कि क्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। मान के चलिए ये आपका सर्वर है, ठीक है, मान के चलिए ये आपका सर्वर है और इसी सर्वर पे आपका बहुत सारा डेटाबेसेस है, ठीक है, और ये मान के चलिए ये आपका माइक्रो सर्विसेस है, ठीक है, ये आपका माइक्रो सर्विसेस है जिसके मतलब ये आपका थोड़ा मान के चलिए बहुत सारा माइक्रो सर्विसेस है जो जहाँ पे जो इसके अंदर रन कर रहा है। तो ये हो गया आपका माइक्रो सर्विस, ये हो गया आपका माइक्रो सर्विस, ठीक है, और ये हो गया आपका सर्वर। ये हो गया आपका माइक्रो सर्विस, ये हो गया आपका सर्वर, ठीक है। तो अब और मान के चलिए ये हो गया आपका यूज़र। गाइज अगर हैंडराइटिंग मेरा बहुत ही बुरा है और मैंने अभी नया नया एक राइटिंग पैड लिया है ताकि आपको थोड़ा और भी डिटेल पे आपको आपके लिए कंटेंट बना पाऊँ, इसलिए तो अगर इसमें थोड़ा बहुत मेरा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया ज़्यादा, उतना अच्छा सा मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, तो अगर आपको ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं आने वाले वीडियोस पे मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करूँगा मेरे साइड से, ओके। सो बेसिकली ये एक माइक्रो सर्विसेज है आपका, जो माइक्रो सर्विस बेसिकली रेस्ट एपीआई से कम्युनिकेट करता है सर्वर से, और एक है, एक हो गया सर्वर से और एक हो गया आपका क्लाइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लाइंट इसको कम्युनिकेट करेगा इस माइक्रो सर्विसेज को, तो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, राइट, कौन सा क्लाइंट आपको माइक्रो सर्विसेज इस माइक्रो सर्विसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, और ये अच्छा मतलब ये जो यूज़र है वो अच्छा है या बुरा है। तो आपको ये इसके लिए आप क्या करते हो, जनरली क्या होता है कि इसके लिए बहुत सारा कंपनी और बहुत सारा लोग क्या करते हैं, एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन फॉर्म बना देते हैं, राइट, जिस लॉगिन ऑथेंटिकेशन फॉर्म से आप खुद को ऑथेंटिकेट करते हो, उसके बाद आपको एक्सेस मिलता है इसी माइक्रो सर्विसेज को एक्सेस करने में, राइट। सो अब की क्लॉक का जो फंडा है गाइस, की क्लॉक का जो मेन फंडा है वो है कि की क्लॉक इसी जो ये जो फॉर्म है ना, इसको मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है इसको हटा के खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब आप माइक्रो सर्विसेज को एक्सेस करते हो ना, आपको इधर जाने का ज़रूरत भी नहीं है, आपको सीधा आना है की क्लॉक पे, ठीक है। जब की क्लॉक से आप ऑथेंटिकेट खुद को कर लोगे, तो की क्लॉक सीधा आपको इसी जगह पे भेज देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो की क्लॉक से आपको इसके जो यूज़र होगा आपको, वो यूज़र डायरेक्ट माइक्रो सर्विसेज को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा वो, और वैसे भी कोई भी लॉगिन फॉर्म से वो कांटेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सीधा जब वो एप्लीकेशन ओपन करेगा, उसको सीधा वो एप्लीकेशन की क्लॉक के पास भेज देगा। तो की क्लॉक एक मान के चलो एक एक एक, एक कोई भी एक जैसे कि मान के चलो एक प्राइम मिनिस्टर है और उसका एक पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, राइट। सो अब जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर को कांटेक्ट करते हो, राइट, तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं मिलता है, आपको पहले पीए को कांटेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, तब पीए आपको एक्सेस देता है प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, करेक्ट। सो मान के चलिए तो ये जो पीए है ना, ये जो आपको मैंने जो पीए के बाद बोला, ये पीए होगा हो गया आपका ये की क्लॉक, ठीक है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर हुआ है वो है आपका पूरा इंटर माइक्रो सर्विस एंड इंटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले की क्लॉक से बात करना पड़ेगा, ठीक है, और की क्लॉक के अंदर ना आप क्या करोगे, आप की क्लॉक के अंदर यूज़र बना के रखोगे, की क्लॉक के अंदर यूज़र मॉडल रहेगा जहाँ पे सारे मान के चलो यूज़र नेम सॉरी जहाँ पे मान के चलो यूज़र नेम पासवर्ड जो बेसिक लॉगिन ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सारे चीज़ें स्टोर रहते हैं, राइट। मान के चलो आपके पास और आपके एप्लीकेशन और भी थोड़ा एडवांस एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन के अंदर रोल बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका ऑथराइजेशन चीज़ें यूज़ होता है, मान के चलिए रोल्स रोल्स यूज़ होता है, जो रोल्स बेसिकली एक ऑथराइजेशन सपोर्ट आपको देता है, वो सारी चीज़ें भी की क्लॉक पे आप स्टोर कर सकते हो, उतना भी सपोर्ट की क्लॉक आपको प्रोवाइड करता है।
रोल्स हो गया, आपका मान के चलो आपका ईमेल है तो ईमेल भी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कीक्लॉक के अंदर, ये पूरा इंटायर जो चीज़ें है ना, ये पूरा इंटायर चीज़ें कीक्लॉक के अंदर आपका स्टोर रहता है, ठीक है। तो जब यूज़र इधर आके आपका खुद का क्रेडेंशियल्स, खुद का जब क्रेडेंशियल्स देता है, कीक्लॉक वेरीफाई करता है उसका इंटरनल सर्वर को कम्युनिकेट करके, इंटरनली उसके सर्वर में जो डेटा रहता है, यूज़र का जो डेटा रहता है उससे कम्युनिकेट करके चेक करता है कि हाँ जो यूज़र ने जो डेटा भेजा है वो सही है कि गलत। अगर सही है तो वो करेगा क्या, अगर मान के चलो आपका जो डेटा है वो हो गया, वो आपको कीक्लॉक आपको सक्सेस दे दिया, ठीक है। कीक्लॉक आपको एक सक्सेस दे दिया, और जब आपको सक्सेस मिल जाएगा उसी सक्सेस के बाद आपको कीक्लॉक और भी एक चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो है JWT टोकन, ठीक है। JWT टोकन कीक्लॉक आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि अब कीक्लॉक के भाषा में जो बोलते हैं एक्सेस टोकन, जो एक्सेस टोकन कीक्लॉक आपको प्रोवाइड करेगा उसी एक्सेस टोकन, ये सारे REST APIs आपको मांगेगा हर वक्त, हर एवरी रिक्वेस्ट पे, एवरी कॉल पे, वो एक्सेस टोकन आपको ये सारे माइक्रो सर्विस आपको पूछेगा। मान के चलो आप कीक्लॉक आपके पास, आप कहाँ से भी कुछ भी करके हैक वगैरह करके आप ये माइक्रो सर्विस और ये REST API का आपको API मिल गया, ठीक है। API का जो URL है बोलो, जो भी REST API का जो URL रहता है राइट, उस API आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है राइट, लाइक पोस्टमैन और मान के चलो और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जहाँ पे आप API टेस्टिंग करते हो, मान के चलो आप उधर जाके उस API को कॉल करते हो, कोई भी गेट और कोई भी मान के चलो गेट और पोस्ट एक्शन से आप उस API को हिट करने का कोशिश करते हो राइट। तो तब क्या करेगा, जैसे कि वो API इस कीक्लॉक के सेटअप किया हुआ है, तो वो API उसके रिक्वेस्ट के साथ और एक चीज़ आपके रिक्वेस्ट के अंदर एक्सपेक्ट करेगा, वो है आपका एक्सेस टोकन, ओके। वो है क्या, आपका एक्सेस टोकन। जब भी आप पोस्टमैन के अंदर आपको एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब कीक्लॉक पे ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाया तो आपको एक्सेस टोकन कहाँ से आएगा, आपके सारे ऑथेंटिकेशन के बाद ही आपको एक्सेस टोकन मिलता है, करेक्ट। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपका सारे ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही आपको एक्सेस टोकन मिलता है राइट। तो उसी एक्सेस टोकन को लेके आपको कीक्लॉक इस सारे REST APIs को कम्युनिकेट करता है। अगर आपके पास एक्सेस टोकन नहीं है तो आपके पास ये माइक्रो सर्विस का API का जो ऑथेंटिकेशन होगा वो फेल हो जाएगा, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे राइट। तो ये सब करके, मतलब ये सारे प्रोसीड्योर करके कीक्लॉक एक पूरा एप्लीकेशन को सिक्योर करता है, क्या करता है, सिक्योर करता है विथ सिंगल साइन ऑन, ठीक है। तो ये पूरा चीजें करके कीक्लॉक क्या करता है, सिंगल साइन ऑन करता है। आप मन के चलो, और एक आपके मन में शायद सवाल आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि जैसे कीक्लॉक ये सिंगल साइन ऑन करके ये तो एक्सेस आपको दे देता है, अगर कोई थर्ड पार्टी मान के चलो कोई दूसरा बंदा आपका उसके पास आपका क्रेडेंशियल्स है, तो क्या वो उस क्रेडेंशियल को लॉग इन कर पाएगा, जब आप लॉग इन ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। मान के चलो आप एक पोर्टल है, ठीक है, ये एक पोर्टल है, ये एक पोर्टल है, और इसी पोर्टल के अंदर आपने ऑलरेडी साइन इन ऑथेंटिकेट कर चुके हो, ठीक है, ये आप हो या आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, और दूसरा एक बंदा है जिसके पास आपका क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, जिसके पास आपके आप उसका आपका क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, वो भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लॉग इन करने के लिए, क्योंकि ये आप ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन हो, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेस की आईडी होगा राइट, आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेस की होगा करेक्ट। तो ये जब लॉग इन करने का कोशिश करेगा, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक्सेस की और आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ है, वो है आपका सेशन, वो है क्या आपका, वो है आपका सेशन। तो जैसे आपके पास ऑलरेडी एक्सेस की और सेशन है, तो ये बंदा यहाँ पे लॉग इन नहीं कर पाएगा, तो ये सपोर्ट भी आपको कीक्लॉक
देता है। तो ये भी सपोर्ट आपको की क्लॉक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इतना ही है कि इंटायर की क्लॉक का काम इतना ही है, ठीक है। तो मैंने आपको जितना दिखाया अभी तक इतना ही है पूरा इंटायर की क्लॉक का एक लाइफ साइकिल। आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया कि की क्लॉक होता क्या है और की क्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा ये तो मैं हम लोग ओवरव्यू समझ लिया कि की क्लॉक कैसे काम करता है, की क्लॉक के अंदर क्या क्या फंक्शनिटीज़ है, ये सारे चीज़। अब थोड़ा की क्लॉक के भाषा में हम लोग देखेंगे कौन सा चीज़ को क्या क्या बोलता है और उसका क्या काम होता है, उसको क्यों यूज़ करना है, वो सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो की क्लॉक के अंदर पहले जो एक मेन चीज़ें हैं वो है रिलेम्स। वो क्या है? पहला जो है वो है रिलेम। दूसरा जो होगा वो है आपका क्लाइंट, ठीक है। दूसरा जो है वो हो गया आपका क्लाइंट। तो रिलिम क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्लाइंट क्या होता है। सो रिलिम क्या होता है? रिलिम होता है एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान के चलो एज ए एग्जाम्पल आप गूगल ले लो, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल आप गूगल ले लो। गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसे हो गया आपका जीमेल, आपका हो गया आपका फोटोज़, हो गया आपका ड्राइव, हो गया आपका गूगल कीप। ये सारे गूगल का प्रोडक्ट है और ये सब प्रोडक्ट एक ही यूज़र पे कनेक्ट रहता है, राइट। अगर आपका एक गूगल अकाउंट है तो आप इस सारे प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाओगे विदाउट अ लॉग इन इन ईच डिवाइस, आई मीन ईच 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 प्रोडक्ट पे आपको जाके लॉग इन करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लॉग इन कर लिया गूगल अकाउंट को, एक बार सिंगल आपने लॉग इन कर लिया, सिंगल साइन ऑन कर लिया, आपको दूसरे सारे प्रोडक्ट जितना गूगल प्रोवाइड करते हैं उसको उस प्रोडक्ट के अंदर आप इजीली भरी जा सकते हो, राइट। तो वो जो गूगल अब मैं आपको बताया गूगल ही है ये पूरा रिलिम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो गूगल क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सॉरी रिलिम क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो जो मेंबर रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर रहेगा, ठीक है, वो हो गया आपका यूजर, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है। जिस जिस प्रोडक्ट को आपने एक्सेस दिए हो वो प्रोडक्ट उस यूज़र यूज़ कर सकता है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। अब आते हैं देन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग समझ लिया, हम लोग यूज़र समझ लिया। अब आते हैं, अब बात करेंगे प्रोडक्ट कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर, कैसे हम लोगों का मल्टीपल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट को आप सिंगल साइन ऑन पे की क्लॉक से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे सेटअप करना है, उसके लिए कौन सा टर्म की क्लॉक में यूज़ होता है, वो होता है गाइस क्लाइंट। क्लाइंट का काम होता है, क्लाइंट एक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मतलब सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मल्टीपल प्रोडक्ट रहता है उसका पूरा देखभाल ये क्लाइंट करता है। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है ए बी सी, एक प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। दोनों प्रोडक्ट का दो अलग अलग यूज़र होगा, ओके। दो अलग अलग यूज़र होगा, यूज़र वन यूज़र टू। यूज़र वन जो होगा वो यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा और यूज़र टू जो होगा वो यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गए आप। तो देन कैसे काम करेगा, क्योंकि बोथ यूज़र तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, राइट। देन अगर एक अगर ये सारे यूज़र्स पूरा इस क्लाइंट को एक्सेस करता है तो देन इस दो देन दो ये दो प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकता है, ये आपके मन में ख्याल आ रहा है, राइट। ये चीज़ें आप सेटअप कर सकते हो। उस सेटअप के लिए आपको जो मेन चीज़ें मैं आपको बताया था पहले ऑथराइजेशन के लिए वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है आपका रोल्स। मान के चलो यूज़र वन के पास है एक नया रोल जो कि है रोल ABC और यूज़र टू के लिए एक रोल आपने बनाया रोल्स XYZ।
तो ये रोल एबीसी और एक्स वाई जी का काम होगा क्या? मान के चलिए आपके पास ये यूजर है, दो यूजर है, यूजर वन और यूजर टू, ठीक है? तो आपके पास जो है यूजर वन और यूजर टू, तो इस यूज मान के चलिए यूजर वन के पास ये रोल है एबीसी और यूजर टू के पास ये रोल है यूजर सॉरी एक्स वाई जी, ओके। सो एक्स वाई जी जो यूजर होगा, जो रोल रहेगा उसके पास, वो रोल एबीसी प्रोडक्ट पे नहीं यूज कर सकता है, वो रोल वाला यूजर एबीसी प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकता। और ये जो रोल एक्स वाई जी होगा वो सॉरी ये जो रोल एबीसी होगा वो फिर एक्स वाई जी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे करके ना आपको रोल मैनेजमेंट आप कर सकते हो विदाउट अ कोडिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट अ कोडिंग आप कर सकते हो ये पूरा चीज़ें। और वैसे भी ये जो यूज़र क्रिएशन है, यूज़र को सेटअप करना है, यूज़र का जो मतलब रोल क्रिएशन, उसको कौन सा रोल आपको देना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज़र आपको सफिशियंट होगा, कौन सा यूज़र को उस प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं देना पड़ेगा, ये सारे ऑथराइजेशन पार्ट, राइट? इसको तो ऑथराइजेशन कहते हैं, करेक्ट? तो ये सारे ऑथराइजेशन आपको की क्लॉक सपोर्ट देता है विदाउट अ कोडिंग, राइट? तो ये हो गया आपका की क्लॉक का मेन फंडा, जो मैं आपको इस वीडियो पे बताया कि की क्लॉक होता क्या है। पहले हम लोग सीखे, पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग सीखे हैं अभी तक। हम लोग सीखे हैं की क्लॉक पहले होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं रिलीम और क्लाइंट, रिलीम क्या होता है, क्लाइंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख गया ऑलरेडी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली की क्लॉक का ये जो 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 हम लोग डिस्कस किए हैं वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं चले जाऊंगा मेरे सिस्टम पे। मैं की क्लॉक लोकली इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं बाय द वे मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, उबुंटू। तो ये है की क्लॉक का टर्मिनल, आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी की क्लॉक चल रहा है, ठीक है? मेरा ऑलरेडी की क्लॉक चल रहा है। तो की क्लॉक इंस्टॉलेशन कुछ बड़ा बात नहीं है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो आप फिर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप उबुंटू यूज़र हो, लिनक्स यूज़र हो, फिर भी आप कर सकते हो। अगर आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट पे बता दीजिए, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। बहुत सारा कमेंट्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे की क्लॉक का कि कैसे इसको आप सेटअप कर सकते हो खुद के सिस्टम पे। अब वैसे कमेंट आप फॉलो करोगे आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा, उतना भी ये दिक्कत नहीं करता इंस्टॉलेशन के टाइम पे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है। और भी अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियोज़ भी बना दूंगा, ठीक है? तो जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप की क्लॉक सर्वर को स्टार्ट करोगे, जो UI आपको दिखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? इसके अंदर हो गया आपका एडमिन कंसोल, ठीक है? इसके अंदर हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मेल लिस्ट, ये सारे चीज़ें हैं। ये सब कुछ चीज़ें आपका काम का नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसलिए ताकि आपके प्रोजेक्ट में जो आप मतलब आप मान के चलो आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है? उस प्रोजेक्ट के अंदर आप की क्लॉक को यूज़ करते हो और उस की क्लॉक के साथ जो भी कम्युनिकेट करते हो वो आप इस UI से नहीं करके आप कोडिंग से करना चाहते हो, तो उसके लिए की क्लॉक खुद आपके खुद का REST API एक्सपोज करता है, उस REST API से आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाके देख सकते हो। उसके लिए भी मैं फ्यूचर में अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा, आपका कोई भी टेंशन देने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एडमिन कंसोल के अंदर क्या क्या मिलता है, ठीक है? मैं ऑलरेडी एक यूज़र बना एडमिन यूज़र बना के मतलब बना के रखा हूँ, तो मैं उससे अब यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है? ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। तो आप भी जब पहले की क्लॉक इंस्टॉल करोगे, पहले जब आप एडमिन कंसोल पे जाओगे आपको पहले यूज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है? वो कैसे बनाओगे उसका भी दिक्कत नहीं है, की क्लॉक आपको पहले ही आपको क्रिएट यूज़र का एक फॉर्म देगा, आप उसको सिंपली फिल करना है, उसके बाद आपका न्यू यूज़र बन जाएगा फॉर एडमिन यूज़र। वो हो गया आपका एडमिन, वो आपका पूरा की क्लॉक उस यूज़र से आप पूरा की क्लॉक आप खुद को सेटअप कर सकते हो, ठीक है? तो वैसे मैं एक मेन एडमिन करके एडमिन यूज़र बनाया ऑलरेडी, तो उससे मैं अभी लॉगिन करूँगा, ठीक है? देखो ये लॉगिन हो रहा है, ठीक है? तो ये लॉगिन होने के बाद ना आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको याद है मैं आपको रिलीम बताया था, राइट? तो ये है आपका, ये मैंने इस कुछ कुछ रिलीम्स मैं इधर बना के रखा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया इसका रिलीम, ठीक है? तो जैसे चलो एक टेस्ट रिलीम मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? और आपको एक नया सा रिलीम बना के दिखाता हूँ एकदम फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है? चलिए मैं रिलीम का नाम दे देता हूँ न्यूरल टिक, ठीक है? मैंने रिलीम का नाम दे दिया न्यूरल टिक, इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है?
ये क्रिएट हो गया। आप देखोगे इधर आपको कुछ जनरल सा चीज़ें दिखाई देगा, एक डिस्प्ले नेम, जब आपकी क्लॉक का जो साइन इन पेज है ना, उस साइन इन पेज पे आपको कौन सा चीज़ें आपको डिस्प्ले करवाना है वो आपको इधर इधर आप उसको डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इधर। देखो तो लॉगिन पे आप यूज़र रजिस्ट्रेशन, ईमेल, यूज़र नेम, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारे चीज़ें आप लॉगिन फॉर्म के अंदर डाल सकते हो। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ये इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है कीज़ में, ये है आपका की, इस की का क्या काम है मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक वीडियो पे अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या चीज़ है मैंने बता दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं जब इसको इन डेप्थ इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इन डेप्थ इसको जब कोई भी एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तब आपको इस चीज़ें इस सारे चीज़ को मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आएंगे ईमेल पे। ईमेल पे आप मान के चलो आप जब सेटअप करते हो की क्लॉक पे, आपका यूज़र को सेटअप करते हो, यूज़र का जो मतलब सारी चीज़ें को आप जब सेटअप करते हो ना, तो ये चीज़ें को जब ये प्रोसेस होता है, आप चाहते हो कि यूज़र जो यूज़र की क्लब पे आके उसका ये अकाउंट बनाएगा, उसको एक ईमेल भेजना है, तो उस ईमेल के लिए जैसे बेसिक चीज़ें, होस्ट, पोर्ट, ये सब कुछ चीज़ें आप इधर डाल के भी सेटअप कर सकते हो। ये भी सपोर्ट आपको की क्लॉक से मिलता है। सबसे मोस्ट मुझे अच्छा लगा जो चीज़ें वो है थीम। ये थीम क्या है, मान के चलो की क्लॉक का जो लॉगिन पेज आपने देखा ना, मैंने जब एडमिन को लॉगिन कर रहा था आपके, चलो मान के चलो आप प्रोजेक्ट में उस लॉगिन पेज आप नहीं दिखाना चाहते हो, आप नहीं दिखाना चाहते हो कि आप की क्लॉक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो भी आप चेंज कर सकते हो आपका खुद का कस्टम लॉगिन थीम डाल के, ठीक है, वो भी आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारा कस्टम सा थीम बना के रखा हूँ, तो इस चीज़ें अब मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो ये सारे थीम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग दैट। सो आप सिर्फ थीम लॉगिन का नहीं, आप अकाउंट का, एडमिन कंसोल, ईमेल का, सब कुछ का थीम आप चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपका अभी समझने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम आपको दिखाएंगे। तो आप आते हैं क्लाइंट, जो क्लाइंट हम लोग इधर बात किए थे ना इधर, तो उस क्लाइंट वो हो गया आपका ये वाला क्लाइंट। इसके अंदर आप क्रिएट न्यू क्लाइंट को सेटअप कर सकते हो। मान के चलो आपका प्रोडक्ट है ABC, उसका नाम दे दिया आप ABC। अब रूट URL ID, ये क्या चीज़ें हैं, जैसे आप बताया था ना कि आप क्लिक की क्लॉक के ऑथेंटिकेट करने के बाद की क्लॉक आपको पूरा आपका प्रोडक्ट का एक्सेस दे देता है। मान के चलिए आपका एक वेब एप्लीकेशन है, उस वेब एप्लीकेशन के URL है लोकल होस्ट 8000/index.php, वट एवर, index.asp, वट एवर आपका वो URL है, तो उस URL, वो जो रूट URL है वो URL को आपको इधर पेस्ट करना है। जैसे मैंने एक रिएक्ट पे, मैंने रिएक्ट का जो बेसिक सा पोर्ट रहता है 3000 और लोकल होस्ट पे, मैं इसका URL देके मैंने एक सेव कर दिया। ये क्या होगा कि जब मैं इसी URL पे हिट कराना चाहूँगा तो मुझे की क्लॉक का लॉगिन पेज दिखाई देगा। उसके लिए भी आपको रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एक की क्लॉक का सेटअप करना पड़ेगा, वो भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, वो भी वेरी सिंपल है। की क्लॉक का ASDK खुद सपोर्ट देता है रिएक्ट के अंदर आपको सेटअप करने में, की क्लॉक ASDK मिलता है, उससे आप सेटअप कर सकते हो। तो जैसे ये मैंने क्लाइंट बनाया, इस क्लाइंट का नाम दे दिया ABC, मान के चलिए आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है ABC। और एक आप प्रोडक्ट बना सकते हो, चलो और एक मैं प्रोडक्ट आपके, सपोज प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नेम है XYZ, ठीक है, XYZ है, तो उसके XYZ का भी सेम चीज़ें हैं लोकलोस 3000। ये चेंज भी हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग URL हो सकता है। अब उसी URL पे यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, बट इस सारे कनेक्शन के पहले आपको एक की क्लॉक एक लॉग इन पेज आपको दिखाई देगा, करेक्ट। तो इसी लॉग इन पेज को आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने दोनों क्लाइंट बना दिया, ये दोनों क्लाइंट कुछ नहीं है, मेरा दोनों प्रोडक्ट है। ये क्लाइंट क्या है, मेरा दोनों प्रोडक्ट है, दोनों सिंपल, मेरा ये दो सिंपल प्रोडक्ट है। ये तो क्लाइंट आपको दिखा दिया एग्जाम्पल, मतलब एक लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया, रिलिम का भी दिखा दिया। अब आते हैं यूज़र, यूज़र कैसे, जैसे कि मैं इधर आपको बहुत चीज़ें बताया कि यूज़र आप क्रिएट कर सकते हो, आपका खुद यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल्स, ये सब कुछ मैं आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यूज़र आप कैसे क्रिएट करोगे। एक मैं यूज़र बनाता हूँ, ठीक है, मान के चलो यूज़र का नाम दे दिया राकेश, ठीक है। ईमेल उसका है rakesh@gmail.com। उसके बाद मैंने उसका फर्स्ट नेम राकेश, लास्ट नेम शॉ। उसके बाद अब उसका यूज़र को ईमेल वेरीफाई करना चाहते हो तो उसके लिए अब ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ये सारे एक्शन कर सकते हो। ग्रुप मतलब कि अब
कोई स्पेसिफिक ग्रुप बनाना चाहते हो एक सेट ऑफ यूजर्स का, वो भी अब कर सकते हो इधर, ठीक है। रिक्वायर्ड एक्शन, ये सब कुछ चीज़ें, वो यूज़र क्या क्या कर सकता है, वो यूज़र मान के चलो आप एक यूज़र बनाए, वो यूज़र खुद का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे उसको ये सारे परमिशन आप दे सकते हो, ठीक है। चलो मैंने यूज़र बना दिया, इनिशियली यूज़र को, यूज़र का जो पासवर्ड होगा वो कुछ भी आप रैंडम सा डाल दीजिए, ठीक है। टेम्पोररी इसका ऑन, मतलब कि वो यूज़र जब इसी पासवर्ड को दे के लॉग इन करेगा, ठीक है, उसको और एक फॉर्म आएगा नया पासवर्ड सेट करने में, जो कि वो खुद का हिसाब से उसका पासवर्ड रखेगा। इसके लिए आप इसको टेम्पररी ऑन कर दिया, अगर ये ऑफ कर दिया तो वो उसको, वो जब लॉग इन करेगा उसके बाद नया पास, उसके सामने नया पासवर्ड के लिए कोई भी फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं एक आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैंने एक मान के चलो एक पासवर्ड बनाया, वो है पासवर्ड 1234, ठीक है, और एक पासवर्ड इधर डाल दिया 1234, ठीक है, और टेम्पोररी को ऑन कर दिया और सेट पासवर्ड कर दिया, ठीक है। ये हो गया पासवर्ड का। अब हो गया रोल मैपिंग, जैसे जैसे आपको बताया था ना एक्स वाई जी के लिए एक रोल है, देखो अब जैसे एक्स वाई जी बताया, ए बी सी और एक्स वाई जी, ये दोनों आ गया। मान के चलो मैंने जो राकेश का जो यूज़र बनाया उसको मैं सिर्फ ए बी सी का ही एक्सेस देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए बी सी ऐड करके इधर उसको डाल दूँगा, ठीक है। ए बी सी ऐड करके उसको इधर बहुत सारा रोल असाइन कर सकता हूँ। मैं अभी कुछ भी रोल क्रिएट ही नहीं किया तो असाइन कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रोल, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको क्लाइंट के अंदर जाना पड़ेगा ए बी सी, और उसके बाद आपको इधर रोल्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। रोल्स पे जाने के बाद आपको एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा, जो रोल आपको डालना है उधर। मान के चलिए मैं इसका रोल देता हूँ एडमिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कुछ भी चीज़ें नहीं है कि एडमिन मतलब उसके पास सब कुछ एक्सेस जाएगा, ये सब, ये कुछ भी वैसा टाइप का नहीं है, ये सिर्फ एक नेम ही है, दैट्स ऑल। मैंने अब अगर मैं ये राकेश को एडिट करूँगा, ये रोल मैपिंग के जाऊँगा, जैसे आपको मैं इधर ए बी सी ऐड करूँगा, देखो एडमिन आ गया ना, जैसे मैं जहाँ उधर मैं ये क्रिएट किया था, अब मैं उसको एडमिन रोल दे दिया, मतलब कि ए बी सी वाला यूज़र सिर्फ ए बी सी यूज़ करेगा। वो अगर चाहे भी उसका जो यूज़र क्रेडेंशियल यहाँ पे किकलॉक के क्रिएट हुआ ना, वो आप बोल सकते हो कि उसका यूज़र तो स्टोर होगा किकलॉक पे, वो फिर एक्स वाई जी पे जा सकते हैं, नहीं, वो एक्स वाई जी पे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका रोल जो है वो सिर्फ ए बी सी के लिए ही असाइन हो चुका है, ठीक है। वो उसका कोई दूसरा जगह पे उसका वैलिडेशन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया रोल मैपिंग। आइए आप देखते हैं जे डब्ल्यू टी टोकन का कमाल, ठीक है। मैं इसी यूज़र को लॉग इन करूँगा अब, ठीक है, लॉग इन करूँगा। उसके लिए उसका यूज़र नेम क्या है, राकेश, और पासवर्ड है 1234, या ओके। अब क्या करूँगा इसके लिए, मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाऊँगा, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक लॉग इन फॉर्म है, ठीक है। आपको देखोगे, मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको ये लिंक पे जाऊंगा। जब भी अब ये लिंक पे जाओगे ना, आपको यहाँ पे लॉगिन फॉर्म दी जाएगा, ये साइन इन करना पड़ेगा। आप मैं करूँगा, आप क्या करूँगा, आप इधर मैं अगर मेन एडमिन देके साइन इन करूँगा, आपको देखोगे आप ये दिखाएगा आपको रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। देखो रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ये जो लॉगिन फॉर्म है ना, ये सिर्फ यूज़र का है, एडमिन का नहीं है। मतलब किकलॉक एडमिन का ये लॉगिन फॉर्म है भी नहीं, ये सिर्फ यूज़र का है, यूज़र ही सिर्फ इसको लॉगिन करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इधर करूँगा क्या, मैं इधर डालूँगा राकेश, ठीक है, जो मेरा यूज़र था, यूज़र नेम राकेश, और पासवर्ड क्या था 1234। अब मैं साइन इन करूँगा, देखो ये साइन इन हो गया। और अगर आपको याद है कि मैं टेम्पोररी को ऑन कर रखा था, राइट, देखो ये मेरे मुझे न्यू पासवर्ड के पूछ रहे हैं, ताकि मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल दूँ। मैंने फिर से 1234 56 डाला, 1234 56 डाल दिया। अब इसको मैं सबमिट जब करूँगा, यहाँ पे मुझे की क्लॉक का डैशबोर्ड मिल गया, ठीक है, की क्लॉक का डैशबोर्ड मिल गया। आप लोग सोच रहे हो कि ये तो लॉगिन करने के बाद, मैं आपको बताया था कि ये आपके एप्लीकेशन पे चला जाएगा, हाँ जाएगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। मैंने वो तो नहीं किया, मैं सिर्फ की क्लॉक का एडमिन कंसोल से की क्लॉक का यूज़र कंसोल को लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे मैं जो टोकन को आप बोल रहा था ना उस एक्सप्लेनेशन पे, वो टोकन आपको इधर दिखाई देगा। देखो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये हो गया आपका टोकन, देखा यहाँ पे आपको टोकन मिल गया ना, ये देखो ये हो गया आपका एक्सेस टोकन, ठीक है, आपको दिख रहा है।
दिख रहे हो, ये हो गया आपका एक्सेस टोकन। इसके अंदर आपका सारा यूजर डिटेल स्टोर रहता है। चलिए इसको डिकोड करके देखते हैं, ठीक है, इसको डिकोड करके देखते हैं। उसके लिए आपको JWTToken.io पे जाना पड़ेगा, सॉरी JWT.io पे जाना पड़ेगा। उसके अंदर ना आप कोई भी टोकन JWT टोकन को डिकोड कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, उस टोकन को इधर पेस्ट करूँगा। आप देखोगे यहाँ पे मेरा सारे डिटेल्स आ गया। देखो मैं जो ईमेल बनाया था, जो जो नेम दिया था, जो सरनेम दिया था, जो यूज़र नेम दिया था, सारे चीज़ें मैं मुझे अब देखोगे इधर आ गया है, ठीक है। ऊपर से इसका पूरा URL भी आ गया है, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप आपका जो यूज़र डिटेल्स है वो कीक्लॉक का सर्वर पे स्टोर कर सकते हो। इस टोकन को डिकोड करके यूज़र डिटेल्स को आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, और वो डिटेल्स आपका कोड पे माइक्रो सर्विस के और कोई भी REST API है उसको पास कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा कीक्लॉक का फंडा। आई नो गाइज, ये ऑलमोस्ट 42 मिनट हो गया इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे डिटेल्स को मैं अच्छे से अगर आपको समझाऊंगा तो थोड़ा तो वक्त लगेगा, राइट। क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है, आसान नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं बता बोल रहा हूँ कि ये टफ है। ये अगर समझ गया ना, ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपको यूज़ करना है, आपका प्रोजेक्ट पे भी आप करके आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको कोई भी ना कोडिंग का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इसके लिए पूरा। आप सोचो, देखो ना, मैं इतना कुछ किया ना, अब मैं एक भी कोडिंग किया है नहीं किया है, सारे चीज़ें कौन सा सपोर्ट किया है, कीक्लॉक ने सपोर्ट किया है सब कुछ, राइट। तो ये हो गया पूरा कीक्लॉक का फंडा। आप बताओ आपका क्या डाउट है अभी, आप तो नहीं बता पाओगे क्योंकि ये वीडियो मैं बाद में मतलब अपलोड करूँगा, करेक्ट। तो जो भी आपका डाउट है आप कमेंट पे बता दो। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो होगा कीक्लॉक को कैसे मैं प्रैक्टिकली कोड के अंदर यूज़ करूँगा। इसके बाद कीक्लॉक से अगर कोई भी आप बताओ कमेंट पे आपको क्या कीक्लॉक रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं वही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कि क्योंकि कीक्लॉक का जो कोडिंग का जो पैटर्न होता है ना, वो बहुत सारा लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं मान के चलो मैं पाइथन के ऊपर अगर करूँगा तो पाइथन के लिए वो अलग सा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो मैं रिएक्ट के अंदर मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा तो रिएक्ट के लिए भी वो अलग सा होगा, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें अलग सा होता है। इसके बाद मैं जो वीडियोस बनाऊँगा वो वीडियो होगा आपका कीक्लॉक के सारे REST APIs के ऊपर, कैसे आप कीक्लॉक का REST API यूज़ कर सकते हो और कैसे विदाउट दिस UI, ये UI का भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पोस्टमैन से, हाँ गाइस, आप सिर्फ पोस्टमैन से भी क्रिएट यूज़र कर सकते हो, यूज़र क्रिएशन कर सकते हो, यूज़र का सारे डिटेल्स भी आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे ना मैं ये जो टॉपिक मैं आपको दिखा था, रिलेइंग क्लाइंट यूज़र, इसको थोड़ा और डिटेल टू डिटेल हम लोग सीखेंगे कि यूज़र के अंदर और क्या मेकनिज़म आपको हम लोगों को मिलता है, उससे क्या फ़ायदा है, उसका क्या मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस पर, ठीक है। आज के वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत बहुत लंबा हो गया इस वीडियो, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतना लंबा हो गया। प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे वीडियोस पे टिके हो तो आई होप आपको समझ में आ गया कीक्लॉक क्या होता है। और अगर कोई भी मेरे वीडियो पे इतना टाइम तक टिका नहीं था तो फिर से मैं रिकमेंड करूँगा फिर से देखिए आप इस वीडियोज़ को, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। जो भी अभी तक टिके हो, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर यू गाइज कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसलिए आप टिके हो आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो भी कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस लेके मैं आऊँगा जहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा, बेस्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा उसी टॉपिक के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ़।